नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन से। क्या छत्तीसगढ़ के चिरमिरी का अस्तित्व खतरे में है? एक समय हुआ करता था जब वहां करीब 8 से 10 खदानें हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ 3 से 4 खदानें ही बची हैं, जिसकी वजह से स्थानीय मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों का पूरे देश में नाम है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में भी कोयला खदानें हैं। इन कोयला खदानों के चलते इस जगह को जाना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ करीब 8 से 10 खदानें हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे खदानों में कोयला खत्म होने की वजह से इस जगह का अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। आज चिरमिरी में करीब 3 से 4 खदानें ही बची हैं। माना जा रहा है कि इन खदानों में 400 से 500 के आसपास कोयला खदान मजदूर काम करते हैं, और अगर ये खदानें बंद होती हैं तो सिर्फ कुछ ही स्थानीय मजदूरों को छोड़कर बाकी स्थानीय मजदूरों को यहाँ से छोड़कर बाहर जाना पड़ सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, जो पेट्रोल और डीजल की देखने को मिल रही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, उसी बीच कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाई। इतना ही नहीं, विरोधियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज भी भरवाए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में अनोखा प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। स्कूटी को रिक्शे पर चढ़ाकर स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज की बोतल लगाकर बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से परेशान है, तो दूसरी तरफ वाहनों की हालत बिना डीजल और पेट्रोल के खस्ता होती जा रही है, और इसीलिए आज स्कूटी को तेल की जगह ग्लूकोज की जरूरत है। बाइक और स्कूटी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाइक और स्कूटी के पहिया जाम हो गए हैं। वो बाइक और स्कूटी को इलाज की जरूरत है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में, और जो हमारी बाइकें खराब हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाकर रिक्शा में घुमाया है स्कूटी और बाइक को। और मोदी सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने का काम करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बुलेटिन की ओर, जो लाल कुआं से सामने आ रहा है। लाल कुएं के सभी विभागों में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें फल और ठेले वालों को काफी राहत पहुंच सकती है, क्योंकि फल और ठेले वालों के लिए अलग से वेंडर जोन बनाए जाने का फैसला लिया जा रहा है। नगर पंचायत लाल कुआं के सभागार में सभी विभागों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के ठेले फल वालों के लिए वेंडर जोन बनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना की वजह से व्यापारियों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया था, जिसके वजह से नगर पंचायत सभागार में बैठक हुई, जिसमें उपजिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने अलग वेंडर जोन बनाए जाने के आदेश दिए हैं। सभी की सहमति से सब्जी और फल के ठेले पुराने हॉट बाजार में लगाए जाएंगे, और चाट पकौड़ी और बाकी चीज़ों के लिए जल्द ही अलग से स्थान का चयन किया जाएगा। यहाँ जो इकट्ठा हुए थे सारे अधिकारी, SDM साहब भी थे और जिले के सारे अधिकारी उपस्थित थे, और हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में कोई बीमारी आने ही नहीं देगी। मलेरिया से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के फोकिंग से लेकर के सारे युद्ध स्तर पर वर्क करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे क्षेत्र में आ ही नहीं पाए।